के द्वारा हमारा मकसद था आप सबके रूबरू होने का, आप सब तक अपनी बात पहुंचाने का, और हमें इससे अच्छा कोई जरिया नजर नहीं आया, पीने बॉल से ज्यादा अच्छा कोई जगह नजर नहीं आया, 14 जनवरी से अच्छा कोई तारीख नजर नहीं आया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आपको एक इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं। इस इवेंट का नाम है रेवा, REVA, रेवा। रेवा का मतलब है राइट टू एजुकेशन एंड विजन फॉर ऑल। ये कार्यक्रम हम लोग पिछले 4 साल से अपने कॉलेज में करवा रहे हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। ये इस साल भी 5वीं बार 25 और 26 जनवरी को हो रहा है हमारे कॉलेज में। ये कार्यक्रम दरअसल होता है छोटे बच्चों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत सारे जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, और बहुत सारे जो किसी NGO ने जिन्हें अडॉप्ट किया हुआ है, ऐसे करीब 350-400 बच्चों के लिए हम यह कार्यक्रम करवाते हैं। इस कार्यक्रम में हम बच्चों का हर तरह का इवेंट करवाते हैं, जैसे उनके लिए डांस, ड्रामा, म्यूजिक, खेल कूद, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच, पोएट्री, सब कुछ। इस कार्यक्रम में हमारा मकसद सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो बच्चे हैं इनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई तो फिर भी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा इनका कोई भी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इस कार्यक्रम में हमारा एक ही मकसद है कि इन बच्चों को एक स्टेज दे, एक ऐसा स्टेज जहाँ पर ये अपने अलग अलग टैलेंट्स को दिखा सके। थैंक यू। एक ऐसा स्टेज जहाँ पर अपने सारे अलग अलग टैलेंट्स को दिखा सके, और हर में कॉम्पिटिशन होता है, हर के विनर्स को हम लोग प्राइजेज देते हैं। इसके अलावा हर एक बच्चे को किताबें दी जाती हैं, स्कूल बैग, टी शर्ट, और उनका 2 दिन का पूरे अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं हम लोग। 2 दिन का इवेंट होता है ये। इस कार्यक्रम का बस यही एक मकसद है कि इन बच्चों को एक स्टेज मिले अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, और इस तरह हम लोग इनके ऑलराउंड डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। इस साल हम चार बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, तो हम ऐसे 4 बच्चों को इस बार स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। ये स्टॉल में हमने पेंटिंग्स रखी हैं और ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हैं, हमारे स्लम्स के बच्चों द्वारा बनाए गए। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार इस स्टॉल को देखिए, अगर आपको कोई भी कार्ड पसंद आए, कोई भी पेंटिंग पसंद आए, तो आप लोग अगर उनको खरीदने के इच्छुक हो तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। आप जो भी पैसा देंगे वो उन बच्चों की भलाई के लिए ही जाएगा, आपको बदले में एक डोनेशन रिसीट मिलेगा। थैंक यू। ये जो इवेंट है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा PNM मॉल का और उसके अथॉरिटीज का, PNM मॉल के मैनेजर मिस्टर अमित परमार का, जिन्होंने बहुत जल्दी हमारे प्रपोजल को सुन के तुरंत इजाजत दे दिया हमें इस प्रोग्राम को कराने के लिए। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे साथ 2 NGO जुड़ी हुई है, AID पटना और सेव द चिल्ड्रन। हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें भी मदद कर रहे हैं कि वो भी फंड रेज कर सके। एक बार फिर से हम लोग आपका बहुत बहुत सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारा डांस देखा और आप लोगों ने मेरी इतने देर से बकवास सुनी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एज अ स्टूडेंट सेक्रेटरी मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ 25 और 26 जनवरी को BIT रेवा 14 में जरूर आइएगा, BIT पटना में। हमारा वेबसाइट भी है www.bitreva.in। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पैम्फलेट्स हैं, जिनको भी इंटरेस्टेड हो और जानने के बारे में, यहाँ पे पैम्फलेट्स हैं, आप पैम्फलेट्स स्टॉल पर से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।